हम लोग चर्चा कर रहे हैं पार्ट नंबर फोर की, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। हम लोग 43 तक आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है 44। आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में या समान नागरिक संहिता के बारे में। अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को देखें तो उसमें कहा गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंडेवर ऑल टू मेक लॉज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था स्टेट करे, ऐसी व्यवस्था राज्य करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो इसको समझने के लिए आप जरा एक बार भारत दर्शन करिए। कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए और गुजरात से अरुणाचल जाइए, तो आप लगभग पूरे देश में ये कहावत पाएंगे कि कोस कोस पे बदले बोली, चार कोस पे पानी। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ एक कोस बढ़ेंगे तो लैंग्वेज लोगों की बदल जाती है, पानी का टेस्ट बदल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश की संस्कृति एक जैसी होगी? नहीं, असंभव है। ये पहनावा अलग है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, संस्कार अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो कैसे सबको मैनेज किया जाए? हमारी संविधान सभा के सामने भी यही चुनौती आई कि क्या पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने इसकी हामी भी भरी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, और विरोध करने के जो कारण थे वो जायज थे। उदाहरण के तौर पर अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो तमिल सभ्यता में ऐसा होता है कि जब भी किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो शादी से पहले उसकी शादी उसके मामा से करवाई जाती है। इसके पीछे विचार ये है कि अगर लड़की के ऊपर कोई दोष होंगे, कोई नक्षत्रों का फेर होगा, तो वो सारे देश उसके मामा ले लेंगे और फिर लड़की की शादी धूमधाम से होगी। तो कहीं ना कहीं मामा ने अपनी बहन की बेटी के लिए वही धर्म निभाया जो माँ निभाती थी, सारे दोष उसके ले लिए। सुनने में अटपटा लग सकता है कि शादी के पहले मामा से शादी, लेकिन प्रोसेस ये है। अगर आप बंगाल में जाएं, ठीक ऑपोजिट अगर आप बंगाल में जाएं, तो बंगाल में जब एक लड़की को पहली बार मेंस्ट्रुअल्स हो रहे होते हैं तो एक आयोजन, भव्य आयोजन करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, दावत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की अब एक लड़की से, एक कन्या से स्त्री बन रही है, और अब वो अपने वैवाहिक जीवन में जाएगी और अपने गृहस्थ जीवन में जाएगी और अपना जीवन खुल करके जिएगी। इसी तरह से कश्मीर में जाएंगे तो अलग प्रावधान, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आएंगे तो एकदम ही अलग प्रावधान। अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी बैल से, गाय से करवाई जाएगी, और लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी पहले केले के पेड़ से या पीपल या बरगद के वृक्ष से करवाई जाएगी ताकि उसके दोषों का निवारण हो जाए। तो ऐसे अलग अलग कल्चर को क्या एक सूत्र में बांधा जा सकता है? सिंपल सा आंसर है नो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पे बिलीव किया था, एक राष्ट्र एक विधान एक निशान। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारे देश के लिए एक समान व्यवस्था हो। इसी व्यवस्था को हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोड का मतलब क्या होता है। तो कोड का मतलब है संहिता या कोई भी कानून। हमारे देश में मुख्य तौर पर दो तरीके की कोड्स पाई जाती हैं। पहली कोड है क्रिमिनल कोड, जिसे हिंदी में आपराधिक संहिता कहते हैं, और दूसरी कोड है सिविल कोड, जिसे हिंदी में नागरिक संहिता कहते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल कोड को आप फौजदारी से संबंधी मामले भी कह सकते हैं, और यहाँ पे सिविल कोड को आप दीवानी मामले भी कह सकते हैं। दीवानी मामलों से तात्पर्य है अधिकार संबंधी मामले या ऐसे मामले जिनका निपटारा जब कोर्ट करेगा तो डिसीजन के रूप में कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। जबकि क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है ऐसे मामले जिनका निपटारा जब कोर्ट करेगा तो डिसीजन के रूप में पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि जेल जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने किसी से 1,00,000 रुपए कर्ज के रूप में लिए और मैं उसके पैसे जानबूझ के नहीं लौटा रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस थोड़ा ना करेगा, उसको अपने पैसे चाहिए, वो सिविल केस करेगा।
और जब कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देगा तो मुझे उस व्यक्ति की 1,00,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, साथ ही साथ जितने दिन बाद वापस किया उससे संबंधित ब्याज, अगर मुझे मेंटल हैरेसमेंट हुआ है तो उसका कंपनसेशन, दौड़ धूप करने में मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा में जो मेरे पैसे खर्च हुए हैं उसका कंपनसेशन, ये मुझे यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हुआ होता तो मैं जेल चला जाता, तो ये तो फिर आसान तरीका है, किसी से 10-20 करोड़ रुपए ले लीजिए, जेल चले जाइए। बात समझ में आपको आ गई होगी कि दोनों में क्या अंतर होता है। अब ये जो सिविल, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश में क्रिमिनल कोड लागू है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपराधिक मामलों के लिए एक समान व्यवस्था है। अब ये एक समान व्यवस्था से संबंधित कोई कानून भी तो होगा, तो दो हैं किताबें, एक है आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 और दूसरी है सीआरपीसी 1973। इंडियन पेनल कोड का मतलब है कि जब भी आप कोई अपराध करेंगे तो उस अपराध से संबंधित धारा जो आपके ऊपर लगाई जाएगी वो धारा इस किताब में लिखी हुई है। जब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, आपका मामला किस तरीके से सुना जाएगा, वो तरीकों का मतलब है प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाएं, क्रिमिनल कोड एक समान है। उदाहरण के तौर पे अगर हत्या के लिए धारा 302 पंजाब में है तो वही सेम धारा केरला में भी है, वही सेम धारा बिहार और गुजरात में भी है। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग सिविल कोड की बात करें तो सिविल कोड हमारे देश में एक समान रूप से लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति, कल्चर लोगों का अलग अलग है, लेकिन प्रक्रिया इसकी भी सेम है। सीपीसी किताब है जिसका मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड, तो प्रोसेस तो सेम है लेकिन ये लागू नहीं है। अब इसके ना लागू होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, एक रूपता नहीं बन पाई थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश में सिविल केसेस के मामले में एक समान कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए क्योंकि एक राष्ट्र एक विधान का सिद्धांत हम लोग मानते हैं। इसीलिए संविधान सभा ने ये तो माना कि सिविल केसेस के मामले में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसको उस समय लागू करवा पाना कठिन काम था, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया गया अंडर आर्टिकल 44 और कहा गया कि आने वाले सरकारों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराएं। हालांकि दुर्भाग्य इस देश का है कि आज तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करवा पाए हैं। अभी तक आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उसमें आपने देखा कि वो सब लागू हैं, उनसे संबंधित कोई ना कोई कानून इस देश में है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई कानून इस देश में नहीं है। अब यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब सिविल केस के मामले में कानूनों में एक रूपता ही नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अपने अलग कानून होंगे, मध्य प्रदेश के अपने अलग कानून होंगे, महाराष्ट्र के अपने अलग कानून होंगे और इसी प्रकार से हर राज्य के अपने अलग कानून होंगे। ये हो गई पहली समस्या। दूसरी समस्या, सिविल कोड के अभाव में कुछ विशेष धर्म या समुदाय के लोग अपने अपने कानून भी चलाते होंगे जिनको हम लोग पर्सनल लॉ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप हिंदू हैं तो सिविल कोड में हिंदू की जो डेफिनेशन है उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सबको हिंदू माना गया। बीइंग अ हिंदू, अगर आप शादी करते हैं तो आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा, आपके ऊपर लागू होगा मुस्लिम मैरिज एक्ट। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया किसने? क्या सरकार ने बनाया? नहीं, सरकार ने तो लागू ही नहीं किया। तो ये एक्ट किसने बनाया? उन्हीं लोगों ने बनाया। अब मुस्लिमों में जो पर्सनल लॉ है उसका नाम है शरिया या शरीयत। शरीयत का मतलब है लॉ डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान, जो धार्मिक पुस्तक है इस्लाम की कुरान, उसके अंदर जो नियम लिखे हुए हैं उनको शरीयत का कानून कहते हैं, यानी कि धार्मिक कानून कहते हैं। तो
तो मुसलमानों में जो भी व्यवस्थाएं हैं इस देश के अंदर वो शरीयत पर आधारित हैं। यही रीज़न है कि एक मुस्लिम होते हुए आप 5 शादियां कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदू होते हुए आप केवल एक ही शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से दो बातें हैं। पहली बात ये कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए लागू करवाया जाए कि हिंदू भी 5 शादियां करे, या इसलिए लागू करवाया जाए कि एक व्यक्ति एक ही शादी करे। तो यहाँ पे ना हिंदुओं को फेवर किया जाना चाहिए ना मुसलमानों को डिसफेवर किया जाना चाहिए। यहाँ पे कानून में बस यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में एक ऐसा कानून हो जिसका नाम हो इंडियन मैरिज एक्ट, और प्रत्येक भारतीय नागरिक की शादी उस कानून के तहत रजिस्टर हो? इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलों का तो मैंने आपको उदाहरण दिया, शादी ब्याह के अलावा तलाक के मामले, बच्चे की कस्टडी के मामले, संपत्ति के मामले, ये सारे मामले भी सिविल कोड के अंदर आते हैं। तो धीरे धीरे आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, सिविल कोड की आवश्यकता तो है, क्योंकि अगर सिविल कोड नहीं हुई तो हमारे देश में कभी कभी भूकंप आ सकता है, कभी कभी बड़ी विनाशकारी स्थिति आ सकती है। अगर मैं इस पर ब्रीफ डिस्कशन करूं तो शायद 4-5 घंटे लग जाएंगे। उतना डिटेल में ना जाते हुए, हमारे देश में जो हाल फिलहाल में भूकंप आए उनमें से 2 भूकंप आपके सामने हैं। पहला है शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस डिसाइड हुआ था 23 अप्रैल 1985 को, और दूसरा केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डिसाइड हुआ था 22 अगस्त 2017 को। इन केसेस का यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लेना देना है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक और आसान हो जाएगा। ये जो शाह बानो का केस है, इसके बारे में कहते हैं कि ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल केस है, और अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपको शाह बानो का केस पता होना चाहिए। इस केस की समरी मैं आपको केवल बता रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शाह बानो नाम की एक महिला है जिसकी उम्र है करीब 62 साल, ये मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली थी, और 62 साल की उम्र में इनके 5 बच्चे थे, और इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनको तलाक दिया। अब तलाक का मतलब इनको इंस्टेंट तलाक दिया गया, यानी कि एक बार में ही बोल दिया गया तलाक तलाक तलाक। तो क्या ये लीगली सही है? कुरान में इसी तरीके के तलाक की बात करी गई कि आप तलाक 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 बोल दो, तो ये गलत बात है, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। तो अगर हम ये शाह बानो और शायरा बानो के केस को डिस्कस करेंगे तो पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि तलाक होता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। अगर आपको ये कन्फर्म है कि इस्लाम इज़ द न्यूएस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना 622 AD में करी, यानी कि आज इस्लाम को आए करीब 1400 साल हो गए हैं। इसके बाद कोई नया धर्म नहीं आया जो कि ग्लोबल हो, जिसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो। तो जब भी कोई नया प्रिंसिपल आता है, ऐसा आप लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ चुके होंगे, जब भी कोई नया प्रिंसिपल आता है तो वो पुराने प्रिंसिपल्स की कमियों को दुरुस्त करता है। कोई नया फॉर्मूला जब कोई वैज्ञानिक बनाता है तो पुराने फॉर्मूला की कमियों को दूर करता है। तो उसी तरीके से जब इस्लाम का जन्म हुआ तो पहले से जो धर्म चले आ रहे थे उन धर्मों में जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उनको दूर करने का काम किया गया। वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तलाक की तरफ फोकस कर रहा हूं। तो पुराने धर्मों में कमी थी तलाक की कमी। अब मामला ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी शादी वैदिक संस्कार के अनुसार होती है, और आप अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाते हैं, और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने का वचन देते हैं। हमारे यहाँ पर शादी को सोशल एग्रीमेंट नहीं कहा गया। हिंदू धर्म में शादी एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है जिसमें आप 7 जन्मों तक साथ रह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी पत्नी बंद हो जाए और वैवाहिक जीवन में मतभेद हो जाए, झगड़ा होने लगे, तो क्या कोई उपचार है कि आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप चाहें या ना चाहें आप 7 जन्मों तक रहेंगे।
उदाहरण के तौर पे एक पतिदेव सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, पत्नी मंदिर से आई और पतिदेव ने इजी चेयर पे बैठे बैठे कहा कि क्यों भगवान से हमारे 7 जन्मों का साथ मांगा ही? तो पत्नी ने कहा जी, और पंडित जी ने कहा है कि 7वां चल रहा है। तो कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा जन्म चल रहा है। अब आते हैं क्रिश्चियंस में। तो क्रिश्चियंस में जब वेडिंग सेरेमनी होती है और रिंग एक्सचेंज होती है, तो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ जीने मरने की कसम खाई जाती है। वहां भी डाइवोर्स का कोई प्रोसेस नहीं है। अब इस्लाम में ये चीजों को देखा जा रहा है, तो वहां पे एक महान परंपरा आती है जिसका नाम है तलाक। और इस तलाक के भी 5 प्रकार हैं, लेकिन जो प्रकार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है तलाक ए बिद्दत। अब अगर निकाह हुआ दो लोगों का और उनके बीच में पत्नी बंद हो गई, तो तलाक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन मूल रूप से आपको यह पता होना चाहिए कि इस्लाम ने तलाक को अच्छा नहीं माना। तलाक को किसी ने अच्छा नहीं माना है कि पहले शादी करो, बारात लेके आओ, नाचो गाओ, फिर अलग हो जाओ, तो इसको कौन सही मानेगा? तो इस्लाम ने भी इसको सही नहीं माना। इसीलिए जब भी मियां बीवी के बीच में कोई तकरार होगी तो पहले उनको समझाया जाएगा, और 1 नहीं 10 बार समझाया जाएगा कि तलाक एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बने, तब फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जिन काजी साहब ने आपका निकाह पढ़ाया होगा वो आएंगे, लड़की लड़का को आमने सामने बिठाया जाएगा, लड़की पक्ष के 2-4-10 लोग, लड़के पक्ष के 2-4-10 लोग आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। अगर तब भी कोई हल नहीं निकला और ये हुआ कि नहीं तलाक ही आखिरी रास्ता है, तब लड़का लड़की को 1 बार बोलेगा तलाक, केवल 1 बार बोलेगा तलाक। और जैसे ही वो बोलेगा तलाक, यहां से तलाक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लड़के वाले जाएं अपने घर, लड़की वाले जाएं अपने घर, काजी साहब जाएं अपने घर, और लड़का लड़की वहीं रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे। लड़की के हाथ का बना खाना लड़का खाएगा, बिस्तर पे जैसे सोते थे वैसे सोएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा उनकी मैरिड लाइफ में। लेकिन 1 बार जो तलाक बोल दिया ना, यहां से काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसको कहा गया इद्दत का पीरियड। और ये इद्दत का पीरियड 30 दिनों का होगा। लड़की और लड़का 30 दिनों तक साथ रहेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि हमने एक दूसरे को तलाक बोल दिया है, क्या यह सही है? अगर सही नहीं है तो हमारे अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सोच लो। और अगर सही है तो कोई बात नहीं, बोल तो दिया ही है, 30 दिन हो जाने दीजिए। वैसे अगर आप इद्दत का ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो इद्दत का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल्स। 30 दिन बाद लड़की को मेंस्ट्रुअल्स होंगे। जब भी कोई लड़की अपने मासिक धर्म से गुजरती है तो उसकी भावनाएं चरम पे होती हैं, तो हो सकता है उन भावनाओं में बह के वो कह दे कि नहीं तलाक नहीं लेना है, खत्म करो। तो 30 दिन बाद जब दोबारा मीटिंग होगी, लड़की पक्ष लड़का पक्ष काजी साहब फिर से आएंगे, तो लड़का बोल देगा हमको नहीं चाहिए तलाक, हम लोगों ने सॉल्ट आउट कर लिया, खत्म, तलाक का प्रोसेस यहीं से खत्म। लेकिन मान लीजिए कि बात नहीं बनी, मामला जस का तस, लड़की कह रही नहीं रहना इसके साथ, लड़का कह रहा हमको भी नहीं रहना, तो भैया दोबारा बोलो तलाक। लड़का दोबारा बोलेगा तलाक, लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, काजी साहब अपने घर, मियां बीवी वहीं रहेंगे, अभी भी एक ही छत के नीचे, लड़की के हाथ का बना खाना लड़का खाएगा, एक ही बिस्तर में सोएंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, फिर से 30 दिनों के लिए, और इसको फिर से इद्दत का पीरियड कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप 2 बार तलाक बोल चुके हैं, इस बार अगर बोला तो ये तिबारा होगा और आखिरी होगा। तो ये आखिरी 30 दिन है आपके पास सोचने के लिए। अगर सोच लिया, मामला सॉल्ट आउट कर लिया कि नहीं यार हम लोग बड़े सपने लेके आए थे, आगे गृहस्थी बनानी है, ये करना है वो करना है, ठीक, खत्म करो, 30 दिन बाद मीटिंग लगेगी, बोल दो तलाक नहीं चाहिए, मामला रफा दफा। लेकिन 30 दिन बाद बात नहीं बनी, अभी भी मामला वही, तो इस बार लड़का आखिरी बार बोलेगा तलाक। और जैसे ही लड़का इस बार बोलेगा तलाक, तो तलाक हो गया पूरा, 3 बार तलाक बोल दिया गया। काजी साहब जो निकाह नामा था उसको पलटेंगे और कन्वर्ट कर देंगे तलाकनामा में, मेहर की रकम वापस करो, लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, और हाँ अपनी अपनी लड़की लड़का लेके, क्योंकि तलाक हो चुका है, अब आप एक पल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो ये है तलाक की महान परंपरा, जिसे कहते हैं तलाक ए इद्दत। क्या आपको इसमें कोई कमी नजर आती है? कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट चीज है। और अगर इसी प्रकार से तलाक आज भी लिया जाए तो किसी का वैवाहिक जीवन कभी दुखी नहीं रहेगा। लेकिन समय बदला, अब जब समय बदला, पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों का काम कारोबार बढ़ा, तो ना काजी साहब की इतना पास समय कि वो रोज पंचायत करें जाके, ना लड़की वाले के पास, ना लड़के वाले के पास, और लोगों का पेशेंस लेवल भी तो डाउन होगा।
तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये तलाक बोलने का जो टाइम पीरियड है ये घटने लगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि लड़की लड़का तलाक लेके अपने घर तो चले गए, एक दिन बीता, दो दिन बीता, दस दिन बीता, एक महीना बीता, अब लड़के को लड़की की याद आने लगी कि यार हमने तलाक लेके गलत किया। इधर लड़की भी लड़के को मिस करने लगी, लड़की ने मिस्ड कॉल मारी, लड़के ने ब्लैंक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों रोए फूट फूट के कि हम लोगों ने गलती कर दी। तो क्या अब कुछ हो सकता है? नहीं भाई साहब, 60 दिन का समय दिया गया था सोचने के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ज्यादा जिद करोगे तो फिर काजी साहब को बुला के लाओ, कोई तो रास्ता होगा। इस्लाम अगर सबसे नया धर्म है तो वो बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, कुछ तो उसने बताया होगा। तो जी हाँ, अब आगे की प्रक्रिया है हलाला। अब हलाला का मतलब क्या है? दोनों पक्षों को बिठाओ पहले और समझाओ, कि जब तुमको समझा रहे थे तब नहीं तुम्हारी समझ में आया, तब तो नहीं रहेंगे इसके साथ। अब लड़के को भी डांटा जाएगा कि तुमको भी नहीं समझ में आया, नहीं रहेंगे इसके साथ, अब छोड़ दिए। अब वो कहाँ तुम्हारी पत्नी रह गई? अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी कौन कर सकता है? ये तो नॉन साइंटिफिक बात हो गई ना। तो लड़के को अपनी गलती का एहसास हो कि उसने तलाक दे के गलत किया, इसलिए लड़की की शादी किसी दूसरे मर्द से कराई जाएगी और उसकी इस दूसरी शादी को कहा जाएगा हलाला, निकाहे हलाला। लेकिन हलाला इज अ सिंबॉलिक मैरिज, क्योंकि इस्लाम में फैमिली मैरिजेस का प्रावधान है, इसलिए वो लड़की अपने किसी रिश्तेदार के लड़के से ही शादी कर सकती है, बट एज ए सिंबल। इधर शादी करी, 10 मिनट बाद उसको तलाक दिया और फिर वापस से अपने पुराने शौहर से शादी कर ली। अब आप कहेंगे ये बैरियर बीच में क्यों डाला गया? ये बैरियर बीच में इसलिए डाला गया ताकि तुमको बार बार एहसास होता रहे कि मैं 10 बार कह चुका था तलाक अच्छी चीज नहीं है, तुमने लिया ना, अब जिंदगी भर पछताओ कि तुम्हारी बीवी दूसरे के साथ शादी कर चुकी है। तो अगर आप प्राइमा फेज देखें तो निकाहे हलाला में भी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। लेकिन समय बदला, लोगों के पास अब टाइम नहीं है, साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां तो आएंगी। तो मेन प्रॉब्लम जो है उसको अब आप पकड़िए। मेन प्रॉब्लम यह है कि जो तलाक के इद्दत है उसका पीरियड छोटा होने लगा और निकाहे हलाला का पीरियड धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे इद्दत का पीरियड 60 दिन का है ना, आप 3 बार तलाक 60 दिन में बोल सकते हो, वो धीरे धीरे घट के 50 दिन का हुआ। और इधर हलाला जो 10 मिनट का होता था वो धीरे धीरे 1 घंटे का हुआ, पति को कुछ ज्यादा ही एहसास करवाएंगे कि तुमने गलत किया। फिर इद्दत का पीरियड घट के 1 महीने का हुआ, इधर हलाला बढ़ के 24 घंटे का हुआ। इधर इद्दत का पीरियड घट के 10 दिन का हुआ तो हलाला 48 घंटे का हुआ। और एक समय ऐसा आया जब इद्दत का पीरियड घटते घटते 1 दिन, 24 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड का हो गया, यानी कि सांस भरी जोर से तलाक 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 खत्म। और हलाला का पीरियड जो इतना छोटा होता था वो हो गया 6 महीने का। समाज में कुरीति आएगी, कुरीति इसलिए आएगी क्योंकि एक लड़का एक लड़की को तलाक बोल के छोड़ देगा और फिर वो लड़की जाएगी उससे दोबारा शादी करने, तो हलाला करवाना पड़ेगा। अब हलाला करवाने के लिए अगर कोई लड़की 6 महीना किसी के साथ रही आएगी तो क्या वो दोबारा शादी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जब भी किसी धर्म के अंदर बुराई आती है तो कोई बाहर का व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, उस धर्म के ही लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो हलाला नाम की बुराई इस्लाम में आई, इसके लिए जिम्मेदार बड़े बड़े नीम हकीम, मौलाना, मौलवी रहे, प्रोफेशनल लोगों को भेजा गया। ऐसे भेजा गया कि तुम दिखने में ठीक ठाक हो, डैशिंग हो, तुम जाओ शादियां करो और शादियां कर करके लड़कियों को छोड़ो। अब लड़की छूट के आएगी तो काजी साहब के पास कि सर अब हमको शादी इससे दोबारा करनी है, हमको छोड़ दिया बिना बात के। और वो लड़का तो पहले से ही कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है तो वो कहेगा कि हाँ हाँ मौलवी साहब मुझसे भी गलती हो गई, आप एक काम करो इसका तलाक का हलाला करवा दो। अब लड़की जब हलाला के लिए जाएगी तो आजकल की तो पढ़ी लिखी लड़की है ना, वो कहेगी मैं ऐसे कैसे हलाला करवा लूं किसी से? तो फिर उसको काजी साहब बताएंगे, अरे बेटा तुम चिंता ना करो, मेरा बेटा है उसके साथ करवा लो, घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। या मेरा रिश्तेदार है उसके साथ करवा लो, घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। और इस तरीके से लड़की को बेच दिया, लड़की चली गई, लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में डाल दिया। ये लड़की को 6-6 महीने लोग उठा के ले जा रहे हैं, उसके साथ में ऐश कर रहे हैं, फिर उसको छोड़ दिया। अब वो किससे शादी करेगी?
ये बहुत बड़ी बुराई है, और जब ऐसी बुराई हम लोग देखते हैं तब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ती है। इस बुराई के खिलाफ सबसे पहले जिस औरत ने आवाज़ उठाई उसका नाम था शाह बानो, और ये 60+ लेडी थी, 62-63 साल की थी ये, 5 बच्चे थे, पति ने दिया तलाक तलाक तलाक, इसने कहा बाढ़ में जाओ, करें क्या हम 62 साल की उम्र में, छोड़ दो हमें सुकून मिले। और बड़े सक्षम इनके पति तो बहुत बड़े वकील थे, लेकिन शाह बानो ने एक डिमांड रखी, बोले हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं इस एज में, लेकिन जो 5 बच्चे तुमने पैदा किए हैं ये और प्लस हम, गुजारा भत्ता दे दो, गुजारा भत्ता दे दो जाओ। इन्होंने कहा गुजारा भत्ता नहीं देंगे। ये चली गई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और जब मुकदमा चला तो इनके पति देव ने वहाँ पे दलील रखी जो कि सही भी थी कि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद लड़की को गुजारे भत्ते का कोई अधिकार नहीं। शाह बानो ने दलील रखी कि इद्दत का पीरियड दिया तुमने, इद्दत का पीरियड तो 60 दिन का होता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि ये इद्दत के पीरियड का मामला क्या है, ये क्यों रखा गया 60 दिन का। कल्पना करिए आप किसी लड़की को तलाक 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 बोल के छोड़ दें और वो प्रेग्नेंट हो, तो तलाक के बाद वो बच्चा किसका। इद्दत के पीरियड का सिर्फ यही मतलब था कि 1 महीने जब आप लड़की के साथ रहेंगे, फिर अगले महीने भी आप लड़की के साथ रहेंगे, तो कम से कम कहीं प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं आप ये देख लेंगे। और इस दौरान अगर लड़की प्रेग्नेंट है, या इस दौरान अगर लड़की आपसे डिमांड करती है कि मैं तलाक के लिए एग्री नहीं कर रही हूं, केवल आप एग्री कर रहे हो, तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो टेक्निकली तो ये बात सही है कि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद गुजारे भत्ते का अधिकार नहीं होगा, लेकिन इद्दत का पीरियड छोड़ा कहाँ आपने, 60 दिन का टाइम लिया था क्या आपने, आपने तो एक सांस में तलाक 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 बोल दिया था। चूंकि ये मामला धार्मिक था इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, और संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई करी, और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार कुरान खोली गई कोर्ट के अंदर, नियम देखे गए, हदीसें आईं, देवबंद से आए मौलाना साहब, बताया उन्होंने कि क्या प्रक्रिया है। लेकिन जीत अंत में सत्य की होती है, और जीत सत्य की हुई, शाह बानो केस जीत गए, इनके पति को मजबूर होना पड़ा इनको गुजारा भत्ता देने के लिए। लेकिन केस हारने के बावजूद उस आदमी ने कहा कि मैं गुजारा भत्ता नहीं दूंगा, क्योंकि ये नॉन शरिया है, ये शरिया के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब ये केस डिसाइड हुआ था 23 अप्रैल 1985 को। अब आप जरा इस डेट पे अगर गौर फरमाएं तो 1984 है, यानी कि करीब करीब 6 महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई है 31 अक्टूबर 1984 को, और राजीव गांधी अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं। राजीव गांधी मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन कैसे थे वो जब लोग बताते हैं, या उनके बारे में कभी पढ़ो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आज राहुल गांधी हैं, कुछ कुछ ऐसे ही थे। राहुल गांधी बेटे तो नहीं कहना, कुछ कुछ ऐसे ही थे। उनके जो सिपाही सलाहकार थे उन लोगों ने बताया कि सर अगर शाह बानो केस जीत गई तो मुस्लिम वोट बैंक आपका खिसक जाएगा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान उस जमाने में एक ही पार्टी को देखते थे और वो थी कांग्रेस, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां थी ही नहीं जमाने में। अब कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए इसलिए हमारे देश में पहली बार तुष्टिकरण की राजनीति शुरू होती है, और इस राजनीति के अंतर्गत राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में जाकर के पलट देते हैं और कानून बना देते हैं कि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद लड़की को गुजारे भत्ते का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरीके से शाह बानो जीत करके भी केस हार गई। लेकिन इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज क्या गया कि गलत हो रहा है इस देश में। हालांकि वो मुसलमान जो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो खुश हो गए क्योंकि राजीव गांधी ने उनके पक्ष में कानून बना दिया, लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं था। खैर, इसके बाद राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन समय बदलता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और फिर आता है साल 2003। कानून की नज़ीरों में कहा जाता है कि ये लड़की जो है शायरा बानो, ये इसी शाह बानो का पुनर्जन्म है। आज तो शाह बानो को मरे जमाना हो गया, लेकिन हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब ये जो शायरा बानो है ये है उत्तराखंड की लड़की, और इसकी शादी हुई बनारस उत्तर प्रदेश में। ये पढ़ी लिखी एमए, शाह बानो की तरह नहीं है ये। 2003 में शायद इसकी शादी हुई थी, और इनके पति देव रहते थे कुवैत में।
शादी हुई, कुछ दिन रहे अपनी पत्नी के साथ, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, चले गए कुवैत, बेटी हुई, पत्नी ने चिट्ठी लिखी तो उधर से रिप्लाई आया कि भाई हमें बेटी नहीं चाहिए थी। तो उसने कहा कि बेटी या बेटा मेरे हाथ में तो नहीं है, जो भी है उसको स्वीकार कर लिया। खैर मामला टल गया। लौटे, कुछ दिन फिर रहे, पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट हुई, फिर दोबारा बेटी हुई। जब दोबारा बेटी हुई तो इस बार इनके शौहर झल्ला गए कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। यहाँ से जवाब फिर वही कि हम कैसे तय करेंगे बेटी होगी कि बेटा। ये इतना झल्ला गए, स्पीड पोस्ट किया पत्नी को, शायरा को, और स्पीड पोस्ट में लिखा तलाक तलाक तलाक। लड़की पढ़ी लिखी है, तुरंत पहुंची काजी साहब के पास, दिखाया कि देखो इन्होंने चिट्ठी में लिख दिया है तलाक तलाक तलाक। उन्होंने कहा बेटा वेरीफाइड, मान लिया गया, ये हो गया। जब उसने जिरह करी, बहस करी, तो उन्होंने कहा कि अब हलाला का प्रोसेस है, भाई हलाला नहीं करवाना, अनपढ़ थोड़ा ना है, इसका क्या सॉल्यूशन है ये बताइए। तो इस लड़की को जवाब ये मिला कि बेटा समंदर के पानी पे भी अगर लिख दिया जाए ना तलाक 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 तो तलाक माना जाएगा। उसका दिमाग खराब। अब ये 1985 थोड़ा ना है, देख रहे हैं साल। लड़की पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो शाहबानों का केस खोला कि यहां पे नजीरें क्या क्या दी गई थी, फिर इनका केस खोला, इनका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और जब शायरा बानो का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब तो मीडिया का जमाना है, ये जमाने में आप देख रहे हैं कि 4G तक आ चुका है इस देश के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस पहुंचता है ना तो मीडिया में आ जाता है। अब मीडिया में शायरा बानो का केस आने लगा और शायरा बानो के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस पहुंचने लगी। हजारों पिटीशंस देश के कोने कोने से पहुंचे। बंबई की एक डॉक्टर साहिबा लिखती हैं कि सूरत के बीच पे वो और उनके शौहर टहल रहे थे, बच्चे को चुप कराने को लेकर के कोई झगड़ा हुआ और शौहर ने रेत के ऊपर लिख दिया तलाक 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 और तलाक हो गया। लड़की डॉक्टर। एक मोहतरमा लिखती हैं कि उनके पति ने बिस्तर पे उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जब उसने मना किया तो उन्होंने तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया। इस तरीके से न जाने कितने केस आए कि किसी ने व्हाट्सएप पे तलाक दिया, किसी ने फेसबुक पे तलाक दिया, किसी ने स्पीड पोस्ट पे तलाक दिया, किसी ने बिस्तर पे तलाक दिया, किसी ने लड़की होने पे तलाक दिया, किसी ने झगड़े में तलाक दिया। और ये तलाक शब्द मुस्लिम महिलाओं के लिए पैरों की जंजीर बन गया, उनके डेवलपमेंट में भी बाधा, आइडियोलॉजिकल उनके ऊपर प्रेशर बनने लग गया। लेकिन तभी इस देश की जुडिशरी फिर से जागी और 22 अगस्त 2017 को शायरा बानो के केस को सुनते हुए इन्होंने महान डिसीजन दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर रोक। और ये दिन देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ जब तलाके बिद्दत, जो कि बिगड़ी हुई प्रक्रिया है, यानी कि इंस्टेंट प्रक्रिया है, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब कोई भी शौहर अपनी बीवी को तलाक 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 बोल करके नहीं छोड़ सकता है। तो क्या यह कुरान का अपमान है? नहीं, कुरान में तो यह लिखा ही नहीं है। तलाक की जो पुरानी प्रक्रिया है तलाक इद्दत, वो जारी रहेगी। अगर आपको तलाक लेना है तो प्रक्रिया से लीजिए, सरकार उसमें सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश भी दिया कि आप ट्रिपल तलाक को लेकर के कोई कानून बनाइए, और सरकार ने जल्द ही इसके ऊपर कानून बना दिया जो आज इस देश में लागू भी है कि अगर आपने किसी को तलाक दिया 3 साल की जेल। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये दोनों केसेस ये बताने के लिए आपको पर्याप्त हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी जरूरत है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि अगर केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी करे तो केंद्र सरकार के ऊपर सबसे पहला आरोप क्या लगेगा? कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, यही तो लगेगा। और ये कोई भी सरकार लाने का प्रयास करे सबके ऊपर लगेगा, इसीलिए पहले की सरकारें कभी लाई नहीं। और वर्तमान जो सरकार हमारे देश में, ये तो इस ब्लेम के साथ पैदा ही हुई है कि मुस्लिम विरोधी है। तो ये ले आएंगे, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आना भी चाहिए, ये नीड है इस देश की, एक बात ये। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या स्टेट के लेवल पर लाई जा सकती है? क्योंकि उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की पूरी तैयारी कर ली है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में लागू भी हो जाएगा। तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया आर्टिकल नंबर 12 का, जिसमें डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की। और जब स्टेट की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब सेंटर, उसका मतलब स्टेट और उसका मतलब लोकल गवर्नेंस, सब कुछ होता है। तो यहां पे भी जब लिखते हैं ना कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकती? वो भी ला सकती है। तो अगर केंद्र सरकार को ये लाने में प्रॉब्लम है या डिले हो रहा है तो हर राज्य सरकार भी अपने स्तर पे इसको ला सकती है, और इसी क्रम में उत्तराखंड की सरकार लाने जा रही है। तो ये पूरी कहानी हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी केसेस हैं, लेकिन वो केसेस अब बहुत ब्रीफ हो जाएंगे तो उतना डिस्कशन का टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन संक्षेप में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए जरूरी है। सिविल के मामलों में एक समान व्यवस्था पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से चर्चा को समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट या डिस्प्यूट है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं।